सिंगरौली के मुक्ति धाम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सिंगरौली विधायक की मौजूदगी में 1100 पौधे लगाए गए। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्षकांत देव सिंह, विधायक राम निवास शाह और महापौर रानी अग्रवाल के साथ पार्षदों और अधिकारियों ने मुक्ति धाम में 1100 पौधे लगाए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्षकांत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने की अपील की और पौधे लगाने का महत्व समझाया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के तहत आज नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत इस मुक्ति धाम में नगर निगम के द्वारा प्रायोजित ये एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज हम सब लोगों ने मिलकर यहां 1100 पौधे लगाने का काम हम लोगों ने किया है। वास्तव में एक पेड़ मां के नाम अभियान समूचे देश में क्रांति ला रहा है। आप देखें, इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है इंदौर जैसे शहर को। बड़े बड़े शहरों में भी जहां वृक्ष नाम की कोई चीज कोई जगह रह नहीं गई थी, वहां भी लोगों में इतनी जागरूकता आई है इस अभियान के तहत कि आने वाले समय में जब समूचे देश में इतने बड़े लक्ष्य को लेकर जब वृक्षारोपण का कार्य सफल होगा तो सोचिए निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा आधार साबित होगा। अब आप सोचिए, अंदाजा करिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है। आज हम सब लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस अभियान के तहत यहाँ आकर वृक्ष लगाने का अवसर हम सब लोगों को मिला है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, इसको लेकर के देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि एक वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम। माँ हमारी धरती है, पेड़ों से सजती है, पेड़ ही उसका श्रृंगार है और पर्यावरण की दृष्टि से भी हम जब मानते हैं कि पर्यावरण पेड़ों से ही प्राप्त होता है। जब तक हमको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा जीवन अधूरा होगा, इसलिए उन सभी चीज़ों को पूर्ति के लिए जहाँ जलवायु की जरूरत है पेड़ों से जल मिलता है, पेड़ों से छाया मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो हम नगर निगम सिंगरौली को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे मध्य आज प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय कामदेव सिंह साहब, जिलाध्यक्ष माननीय रामस्वरूप गुप्ता जी, महापौर माननीय रानी अग्रवाल जी, निगम के अध्यक्ष माननीय देवेश पांडे जी, सभी जनप्रतिनिधि समाज सेवियों को बुला करके एक साथ 1100 पेड़ इस मुक्ति धाम पर जो आपने लगाया। और ऐसे ही नहीं, टी गार्ड के साथ कमिश्नर साहब बधाई के पात्र हैं, उनकी पूरी टीम। टी गार्ड के सुरक्षा की दृष्टि से भी आपने ध्यान दिया, जल की दृष्टि से भी आपने ध्यान दिया है कि नजदीक में नाला है, नाले के से हम इसके सिंचन कर सकते हैं। और मुक्ति नाम जो चीज है यही सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ हम मुक्ति धाम मानते हैं वहाँ आकर के पर्यावरण को हमने ध्यान दिया, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से समाज को आगे ले जाना बढ़ाना। और आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।